हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावों की आहट के बीच रविवार को यहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की शुरुआत उनके अध्यक्षीय भाषण से होगी, जबकि इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैनिकों को मिठाई बांटते हुए तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने न केवल मिठाई बांटी बल्कि सेना के जवानों के साथ सांस्कृतिक परंपरा और खुशी भी साझा की है। राजद के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वजन अब जदयू के साथ नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार इस परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू के कई बड़े नेताओं को शुभ योजना में शामिल होने का न्योता दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। भारत और अमेरिका के बीच तकरीबन हर क्षेत्र में लगातार संवाद का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस क्रम में 22 से 23 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका की वाणिज्य प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर खास तौर पर बातचीत होगी। खालिस्तान समर्थक समूहों की फंडिंग का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की 3 सदस्य टीम कनाडा पहुंच गई है। ये टीम सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ और अन्य खालिस्तान समर्थक समूहों की जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार एक महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम SFJ और अन्य आतंकवादी संगठनों जैसे प्रतिबंधित संगठनों द्वारा भारत के बाहर से खालिस्तान के समर्थन के लिए किए जाने वाली फंडिंग का पता लगाएगी। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही तालिबान लगातार महिलाओं पर पाबंदियां बढ़ा रहा है। तालिबान ने अब महिलाओं को सहायता कार्यकर्ता काम करने से रोक लगा दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने कहा है इसे करने से बेहद जरूरी जीवन रक्षक सहायता अफगान नागरिकों तक नहीं पहुंच सकेगी। चीन ने अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण शुक्रवार को सभी राजमार्ग और स्कूल के खेल के मैदानों को बंद करवा दिया है। चीन ने ये कदम कोला उत्पादन सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में अपने पर्यावरण संबंधित रिकॉर्ड की आलोचना होने के बाद उठाया है। वहीं जानकारी के अनुसार बीजिंग की न्यायपालिका स्तरीय सरकार ने अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण येलो अलर्ट जारी भी कर दिया है। चीन ने पहली बार कहा है कि वो ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले लोगों पर आपराधिक मामले के तहत उम्र कैद की सजा दिया करेगा। अपने साम्राज्य का विस्तार करने को आतुर चीन ने पहली बार ताइवान समर्थकों के खिलाफ कठोर दंड के प्राविधान की बात की है। चीन के ताइवान मामलों के कार्यकाल में ये घोषणा की गई है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख चेन मिंग टोंग ने कहा है कि उनके देश के प्रमुख द्वीप तसाई पर चीन हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ह्यूस्टन फायर चीफ सैमुअल पेना हवाले से अमेरिकी मीडिया ने शनिवार को खबर दी है कि टेक्सास में एस्ट्रो वर्ल्ड फेस्टिवल में कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ट्रेविस स्कॉट के शुक्रवार के प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ में कई और घायल हो गए। ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने बताया है कि रैपर ने प्रशंसकों की भीड़ से बाहर निकलने में मदद करने के लिए सुरक्षा पूछने के लिए कई बार अपना सेट रोका। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।